नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट न्यूज इंडिया में। और एक बार फिर से एक बड़ी घटना घटी है मुंबई के मालवनी इलाके से। बता दें, मुंबई के मालवनी में जो डेपो है वहां पर शुक्रवार के दिन, जी हां, सुबह सुबह लगभग 5 बजे के तकरीबन बस में अचानक आग लग गई। बस नंबर है MH01DR2260। जी हां, बता दें, यहां पर एक से भाड़े पर यानी कि लीज एग्रीमेंट के तौर पर इसे चलाया जाता था टाटा के द्वारा। और इस बस में जब अचानक आग लगी तो आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि बस में और भी ज़्यादा यानी कि डिब्बों में और भी गाड़ियां खड़ी थी। और यह यहां पर बता दें आपको CNG, जी हां बता दें, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता था। और यहां पर कई ऐसी गाड़ियां हैं जो इलेक्ट्रिक हैं, तो विस्फोट होने के चांसेस है। लगातार इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही है, बसों में आग लग रही है, चाहे वो डीजल पेट्रोल की हो, चाहे वो इस वक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल ही क्यों ना हो। लगातार आग लगने की घटनाएं बढ़ रही है, इस पर सरकार को ध्यान देना होगा, क्योंकि कई बार यात्रियों से भरी बसों में भी आग लगने की घटनाएं हो रही हैं। इसलिए सावधानी बरतना बेहद ज्यादा जरूरी है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप तस्वीरें देख सकते हैं, आग की लपटें, जी हां, बहुत ही ज्यादा ऊंची उठी थी, क्योंकि आग जो है पूरी तरह से बस को अपनी चपेट में ले चुकी है।